अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय ब्लॉग। हाँ यार, बदतमीज इंसान मेरा भाई है। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, समझ नहीं आ रहा क्या। थैंक यू सो मच मेरे वाले ब्लॉग को इतना लाइक करने के लिए और व्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच। और इतने से मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि कोई मेरा ब्लॉग सही से व्यूज नहीं उठा रहा था, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था ब्लॉग बनाने का। खैर वेलकम बैक। अब जो है ना, जल्दी से जल्दी से समझते हैं, आज मैं और मेरी मम्मा जा रहे हैं बाजार, क्योंकि ईद आने वाली है। सिर्फ 4-5 दिन लग गए हैं ईद में, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मेरे लिए बन रहा है पराठा, थोड़ा सा मेरे को जलावा ही पसंद है, इसलिए मेरी मम्मी मेरे लिए जलावा पराठा बनाती हैं। गाइस हम हो गए बिल्कुल रेडी, अब हम लोग निकल रहे हैं बाजार जाने के लिए और बिल भी भराना है हमने। तो गाइस अब हम बच्चे मैच खेल रहे हैं। तो जी हाँ, हम निकल चुके हैं जाने के लिए, मैं और मेरी मम्मा। और इस टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे, तो हम लोग निकले थे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मैं और मम्मा निकल चुके। तो जी हमने ऑटो किया और हम लोग जा रहे हैं पहले तो स्वी गैस कंपनी, मतलब के ऑफिस। और यहाँ पर देख रहे हैं बकरा मंडी लगी हुई है। ओके, शायद मैं आप लोगों को अंदर से तो दिखा नहीं पाऊँ, लेकिन बाहर से दिखा रही हूँ और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जो बाहर नज़र आ रहे थे, मैं उनको देख के अपना दिल खुश कर रही थी। और मेरी अम्मा भी बोली नहीं, इंशाल्लाह हम आइंदा साल तो अपना ही जानवर लेंगे और कुर्बानी करेंगे, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आप लोग भी दुआओं में याद रखना कि हम भी अपना जानवर लें और कुर्बानी करें, क्योंकि हर किसी का दिल चाहता है कि अपना अपना जानवर और कुर्बानी कर सके हम लोग। खैर अभी तो हमें पैसों के खुले चाहिए थे, तो हम आ गए थे CNG पेट्रोल पंप। और अभी तो फिलहाल CNG बंद है, क्योंकि आप लोगों को तो पता होगा कि हमारे हैदराबाद में फटे हैं सिलेंडर्स, जिसमें काफी ज्यादा बच्चे और बड़ों को नुकसान हुआ है, कुछ लोग मर भी गए। खैर जी हम आ गए बिल निकलवाने के लिए फोटो स्टेट की दुकान पे, और यहाँ पे हमने इस भाई को अपना पुराना बिल दिया, तो इसने कहा मैं आपको ओरिजिनल निकाल लेता हूँ बिल। और इसने हमारी, इस भाई ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि हम लोगों का जो बिल है ना, वो इतना डिडक्शन लगा के दे रहे हैं और इतने कोई चार्जेस लगा के दे रहे हैं, मतलब कि क्या लगाते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, वो टैक्स लगा रहे हैं। हाँ टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं हमारे बिल पे। तो इन भाई ने बोला कि आप लोग एप्लीकेशन लिखें, कोई 1600 से 1700 रुपये तो आप लोगों के टैक्सेस लगे हैं। फिर क्या था, हमारी अम्मी ने कहा भाई एक पेपर दे दो और एक पेन दे दो। हमारी अम्मी ने जल्दी से एप्लीकेशन लिखी उस भाई से पूछ के, और फिर हम आ गए गेस्ट ऑफिस। गेस्ट ऑफिस आए तो ये भाई साहब हमारी बात सुनने को रजामंद ही नहीं थे। इनका कहना यह था कि 12 महीने से आपके मीटर की रीडिंग ही नहीं ली है, या आपका मीटर अंदर लगा हुआ है। खैर हमने भी उनको ज़बरदस्ती पकड़वाई और रिसीव करवाई अपनी एप्लीकेशन, और आ गए हम। हमने कहा आके आप लोग रीडिंग लें और फिर बाद में हमें बिल भेजें, ऐसे आप हमारे को बिल नहीं भेज सकते। वो एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो टेढ़ी कील होती है उसे छोड़ दिया जाता है, जो सीधी होती है उसे ठोक दिया जाता है। तो हमारा भी वही हाल है, जो हम बिल भरने वाले लोग हैं उन पर डिडक्शन लगाते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, तो जो नहीं भर रहे होते उन्हें कोई परवाही नहीं होती है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। और ये जो है ना, ये मेरा कॉलेज था जो कि पीछे जा चुका है, और यहाँ पर मैं पढ़ती थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, पहले हमने उसको बिल लिया, फिर एप्लीकेशन लिखी, फिर जमा करवाया, अब आ गए हम लोग बिल भरने के लिए, जो कि मैं भर भी चुकी हूँ। और वहाँ की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, उन्होंने मुझे पहले मना किया था, इसलिए मैं मोबाइल नहीं लेके जाती और ना वीडियो बनाती हूँ वहाँ की मैं। तो जी अब हम जा रहे हैं हैदराबाद क्लॉथ मार्केट, जहाँ हमें जाना था, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो हमें लेनी थी। तो यहाँ हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद जाने की जानेब, और यहाँ से हैदराबाद का कोर्ट करीब आई थिंक, तो यहाँ पर स्टैम्प वाले बैठे हुए होते हैं, तो स्टैम्प बनवानी हो तो यहाँ से बनवा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना ऐसी टॉपिक किसी को देगा स्टैम्प बनवाने की कोशिश। और यहाँ पे हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं, और यहाँ मार्केट खुली नहीं थी, लंडा बाजार ही खुला हुआ था सरीफ, हम इतनी जल्दी आ गए थे भाई, 3-4 बजे से पहले यहाँ की मार्केट सही से खुलती ही नहीं है। खैर अब जैसे उस ब्लॉग को इतने सारा व्यूज़ और इतने सारे प्यार दे दिया ना, तो इस वाले ब्लॉग को भी जल्दी से लाइक और कॉमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे आलू बुखारे और इमली का शरबत पीने के लिए, जो कि भाई साहब बोल लेते हैं कि फजूल काम होते हैं वीडियो बनाना। मैंने कहा अंकल आपने बनवानी है तो बता दें, नहीं बनवानी तो फिर भी बता दें, लेकिन वो बोल रहे थे बनाओ भी भाई, इनको समझ नहीं आती क्या करना चाहिए। पहले ये बोल रहे थे कि वीडियो बनाना फजूल काम होता, फिर बोल रहे थे सही तरीके से बना लो। अब मैंने कहा अंकल करना क्या ये बता दें आप। हाँ अंकल ओवर स्मार्ट हो रहे थे, कह रहे थे मेरे पास बहुत मशहूर लोग आते हैं। खैर मैंने भी कह दिया अंकल आज फेमस नहीं है तो क्या हुआ, कल तो हो ही जाएंगे ना। फिर जी हम आ गए इस क्लॉथ वाली शॉप पे, भाई के लिए हमने 2 सूट लिए, फिर आ गए हम चप्पल लेने के लिए, मामा के लिए हमने चप्पल ली, फिर हम लोग चले गए आगे और हमने जल्दी जल्दी से काम निपटाया। धूप देखें, सूरज मेरे सर पर ही चल रहा है। फिर जी यहाँ पे हम आ गए, जो कि मुझे
मेरा मेन मकसद था कचौरियाँ खाना। मैं सिर्फ कचौरी खाने आई थी, कोई चीज़ लेने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ें ले ली। और ये देखिए कचौरी वाली दुकान, और अभी तक बनी नहीं है कचौरियाँ। उन्होंने कहा वेट करें, तो मैंने कहा चलो आगे से तुम्हें चूड़ी मार्केट घुमा के लाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वैसे एक बात नोट कर रहे हैं, इतने दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो ज़्यादा ही अच्छी वॉइस ओवर हो रही है मेरी। माशाल्लाह नज़र नहीं लग जाए, मेरी अपने आप को ही नज़र लग जाती है भाई। तो जी अब आ गए हम ज्वेलरी की शॉप पर। तो यहाँ से हमने ज्वेलरी बाय करी जो हमने लेनी थी। मैंने बहुत छोटी सी ज्वेलरी ली और फिर चूड़ियाँ ली। और उसके बाद जी हम लोग निकल गए अपने घर जाने की जानेब। और ये है हमारा हैदराबाद, प्यारा सा क्लीन नीट। ये इतना आसान नहीं था घर जाना, ये तो अभी शुरुआत है। आप देखें आगे जाके हम कैसे फंसते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग फंस चुके थे। कोई हमारा 1 से 1.5 घंटा बर्बाद हो गया। यहाँ तो हम बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं। हाँ जी हम कैसी हाई तबाही मची हुई और पीछे लगी हुई थी आग, टायर जलाए हुए थे। इतनी गर्मी में छोटे बच्चे बीमार, लोग इतने कोई परेशान हो रहे थे ना। बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरा हाल देखें क्या हो गया, अजीब हो रही थी मैं। हम वहाँ से उस साइड से इस साइड पैदल चलते हुए, मेरी मम्मा के पाँव में इतना दर्द हो रहा था ना, लेकिन लोगों को थोड़ी सी। पहुँच गए हम लोग अपनी कॉलोनी में। और सूरज मेरे सर के ऊपर है, मेरी अम्मा चल रही है, बहुत बुरा हाल हो गया। मेरी हालत तो देखी सबसे आप लोग, ये बुरफतों ने बड़ा नाफा दम करके रखा हुआ। अल्लाह बचाए इन लोगों से, और अल्लाह इनको हिदायत दे कि तंग कर रहा है मासूम लोगों को। तो गाइस अभी शाम का वक्त हो गया और मैं आ गई थी, और फिर मैं अपने सेंटर भी चली गई थी। और अब मैं आई हूँ तो हमारे यहाँ सामने बनी हुई गाय, मैं आप लोगों को शायद कल वाले व्लॉग में दिखा पाऊँ, या अभी भाई से बोलूँगी वीडियो बना के मुझे ला दे तो दिखाऊँगी मैं कि प्यारी बैल है। और हम लोगों ने जो है ना वो कल बताऊँगी कि क्या लिया है। ये देखें कितना अच्छा वेदर लग रहा है। वैसे गर्मियों की शाम जो है ना मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये और अभी एक और चीज़ बताती हूँ कि मेरे भाई साहब डाल रहे हैं फीता। मेरे भाई का जूता टूटा भाई गाइस, और ये यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे ये डाल रहे हैं। देखते हैं कि डलता है या नहीं डलता भाई, है ना। जल्दी जल्दी से इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊँगी डला या नहीं डला। सच बात बताऊँ मैं तो यही समझी थी कि ये नहीं डाल पाएगा, लेकिन इसने भाई डाल दिया। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि हम लोगों की तो लाइट ने जो हम लोगों को रुला दिया है ना, तंग कर दिया है, बहुत तंग कर दिया है। कभी जंपर हिल जाते हैं, कभी कुछ हिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इतना तंग करा हुआ क्या बताऊँ। फ्रिज जो सही करवाया था वो फिर से ख़राब हो गया। फिर फ्रिज देखने वाले आएंगे, क्योंकि थोड़ा तो यार गर्मी में तो इस्तेमाल होता है फ्रिज का पानी के लिए। अभी दिखाती हूँ कि हमारी मीमी क्या कर रही है। दिखाओ मुझे डाल के फिर तुम, बहुत ही करने की कोशिश। तो अभी हम देखेंगे कि ये डाल पाते हैं फीता या नहीं डाल पाते हैं फीता। एक तो डाल ही दिया है इन्होंने, वो तो वक्त बताएगा कि तुम उसको डाल सकते हो या नहीं। तो गाइस दोनों के फीते डल चुके हैं, डन हो चुके हैं। चलो